क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टेस्ट सीरीज में जिसका जलवा छाया रहा वो है चेतेश्वर पुजारा। पुजारा ने 3 शतक जड़कर अपनी क्रिकेट स्किल्स को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। पुजारा ढाल बनकर भारतीय टीम के लिए खड़े रहे, वो घंटों खेलते रहे, उन्होंने सबसे ज्यादा बॉल खेलने का भी साहस दिखाया। वहीं इसी कड़ी में दूसरा नाम है ऋषभ पंत का, जिन्होंने 1 शतक लगाकर अपनी बैटिंग स्किल्स का परिचय दिया। वो टेस्ट मैच में विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं विकेट कीपिंग तो उनकी कमाल की रही है। इसके अलावा स्लेजिंग हो या विकेट के पीछे से कप्तानी, दोनों में पंत ने अपना जलवा खूब दिखाया। अब चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत को उनकी महान क्रिकेटिंग का बड़ा इनाम भी मिला है। दोनों ही क्रिकेटर का नाम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो गया है, वो कैसे हम आपको बताते हैं। दरअसल सिडनी में दिन का खेल खत्म होने के बाद पुजारा और पंत सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑनर बोर्ड पर अपने हस्ताक्षर करते नजर आए। इस बोर्ड पर वो ही खिलाड़ी हस्ताक्षर कर सकता है जो कि सीरीज में सबसे बेहतर प्रदर्शन करे। तो इस लिहाज में पंत और पुजारा ने इस बोर्ड की शान को अपनी छाप से और बड़ा कर दिया। बीसीसीआई ने दोनों का हस्ताक्षर करने वाला वीडियो भी जारी किया है, जिसमें पहले चेतेश्वर पुजारा बोर्ड पर साइन करते हैं और फिर पंत करते हैं। पुजारा तो अपने सीधे साधे अंदाज में साइन करके नीचे आ जाते हैं, मगर पंत यहाँ भी शरारत ही करते दिखाई देते हैं। हालांकि पंत का ये अंदाज उनके फैंस को खूब लुभाता है। फिलहाल भारत कंगारू की धरती पर इतिहास रचने से महज 2 कदम दूर है और अब तो बस क्रिकेट फैंस टेस्ट सीरीज अपने नाम करने का जश्न मनाने को बिल्कुल बेताब बैठे हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।